अगर आपने मोटर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो जो भाग मोटर में आपने पढ़े हैं वही सारे भाग आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर में पढ़ने हैं। मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, और जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। मोटर में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चलने लगता है, और जनरेटर को जब हम चलाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। बस यही अंतर है इन दोनों में। ठीक, तो अगर आपको मोटर समझ में आ गया है, मोटर की संरचना आपने अच्छे से बना ली है, तो सेम टू सेम आपको जनरेटर भी उसी तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी जनरेटर और दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर। अब दोनों जनरेटर का काम है विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो ये दो प्रकार के अलग अलग क्यों हैं? एसी जनरेटर उस जनरेटर को कहते हैं जिसमें से एसी करंट उत्पन्न होता है, ठीक, और डीसी जनरेटर उसको बोलते हैं जिसमें से डीसी करंट उत्पन्न होता है। तो अब जनरेटर को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक जनरेटर वो जो एसी करंट को उत्पन्न करता है या जिससे हमें एसी करंट प्राप्त होता है, या जिससे हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, और ऐसा जनित्र या ऐसा जनरेटर जिससे हमें दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्राप्त होता है उसे हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ये जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या है सिद्धांत इसका? किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, ठीक, किसी भी युक्त के द्वारा कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, और जब कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसी सिद्धांत पर ये जनरेटर कार्य करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में होना चाहिए कि विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा अपने आप कहाँ से उत्पन्न होती है। तो आप जरा सोचो, जनरेटर को घुमाने के लिए, चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा यानी जो यांत्रिक ऊर्जा खर्च होगी वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। मोटर को जरा से याद करते हैं। मोटर का सबसे पहला भाग कौन सा था? क्षेत्र चुंबक, है ना, याद आया? विद्युत मोटर का पहला भाग क्षेत्र चुंबक। सेम आपको इन दोनों में भी बनाना है, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का पहला भाग क्षेत्र चुंबक, दिष्ट धारा जनित्र का भी पहला भाग क्षेत्र चुंबक, मोटर का भी पहला भाग क्षेत्र चुंबक। अगर मोटर आपने याद कर लिया है तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला भाग क्षेत्र चुंबक, और इसमें क्या लिखा गया था? यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड N व S होते हैं। बीच का हिस्सा थोड़ा सा हम मिटा देंगे। क्षेत्र चुंबक जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं N व S। समझ में आया? तो विद्युत जनित्र का भी पहला भाग क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड N व S होते हैं। दूसरा भाग
आर्मेचर, आर्मेचर विद्युत मोटर में आपने पढ़ा होगा, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नरम लोहे या कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है, और ये कुंडली दोनों ध्रुव खंडों के बीच में स्थित होती है और अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है ना। तो जो आपने मोटर में बनाया था वही आपको इन दोनों जनरेटर में भी बनाना है। प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा भाग आर्मेचर, दिष्ट धारा जनित्र का भी दूसरा भाग आर्मेचर। कोई प्रकार की दिक्कत किसी को? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भी दूसरा भाग आर्मेचर, दिष्ट धारा जनित्र का भी दूसरा भाग आर्मेचर। तीसरा भाग आपने मोटर में पढ़ा होगा विभक्त वलय, यहीं पर थोड़ा सा चेंज है, ध्यान ये रखना है। दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय होंगे लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वाले होंगे। विभक्त वाले किस में होंगे? डीसी जनरेटर में, और सर्पी वाले ये होंगे एसी जनरेटर में। यही इन दोनों में अंतर है। तो विभक्त वाले आप इससे पहले बना चुके हैं मोटर में, तो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको बोलते हैं विभक्त वाले, ठीक। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा होता है, ठीक। तो डीसी जनरेटर में आपको बनाना है विभक्त वलय, लेकिन एसी जनरेटर में आपको विभक्त वलय की जगह पर बनाने हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय में क्या होगा? इसमें दो छल्ले होंगे। कुंडली का एक सिरा एक वलय से और दूसरा सिरा दूसरे वलय से जुड़ा होता है, यही इन दोनों जनरेटर में अंतर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, डीसी जनरेटर में विभक्त वलय, एसी जनरेटर में सर्पी वलय, सब कुछ सेम। एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें भी एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये इसका अक्ष, अब आते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग ब्रश, ये कार्बन की दो पत्तियां होती हैं जो दोनों वलयों पर फिसलती रहती हैं, और इन्हीं पत्तियों से कनेक्शन हम कर देते हैं बाह्य परिपथ में, ठीक। एक पत्ती इससे टच करेगी और एक पत्ती इससे टच करेगी। इनका संबंध संयोजक पेचों से करके बाह्य परिपथ से कर देते हैं, ठीक। इसमें भी चौथा भाग कार्बन की दो पत्तियां जो इन वलयों पर फिसलती हैं, इन दोनों का संबंध दो संयोजक पेचों से करके बाह्य परिपथ से कर देते हैं। मोटर में क्या लगाया था आपने? इस परिपथ में बैटरी लगाई थी, याद आया। और जनरेटर में क्या करना है? यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, यहाँ तो हम विद्युत धारा खुद उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक बल्ब। ये भी एक अंतर है मोटर और जनरेटर में। मोटर में आपने लगाई थी बैटरी, और जनरेटर में हम लगाएंगे यहाँ पर बल्ब, ठीक। जब ये चलेगा तो फिर ये बल्ब जलेगा, बात समझ में आई। इसमें भी लगाएंगे हम एक बल्ब। चलो एक बार संरचना की बात और करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, क्षेत्र चुंबक या एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड एन व एस होते हैं। नंबर दो, आर्मेचर यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नरम लोहे या कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है, जो दोनों ध्रुव खंडों के बीच में
अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। नंबर तीन, सर्पी वलय, ये दो छल्ले होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। एक वलय का संपर्क कुंडली के एक सिरे से और दूसरे वलय का संपर्क कुंडली के दूसरे सिरे से होता है। नंबर चार, ब्रश, ये कार्बन की दो पत्तियां होती हैं जो दोनों सर्पी वलयों पर फिसलती रहती हैं। इन दोनों का संबंध दो संयोजक पेचों से उस परिपथ से कर देते हैं जिस परिपथ में हमें विद्युत धारा भेजनी होती है। इसी तरह से दृष्ट धारा जनित्र के भी प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, क्षेत्र चुंबक। नंबर दो, आर्मेचर। नंबर तीन, विभक्त वलय। और नंबर चार, ब्रश। अब बात करेंगे वर्किंग, दोनों कार्य कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहला काम ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस कुंडली को किसी एक डायरेक्शन में तेजी से घुमाना पड़ेगा। जब कुंडली घूमेगी तब इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तभी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में रख कर तेजी से घुमाना है किसी भी युक्त के द्वारा। मान लिया हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक, इस कुंडली को इसके अक्ष के परितः क्लॉकवाइज, ये है इसकी भुजा ए बी। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुंडली घूमेगी तो इसकी भुजा ए बी किधर की ओर गति करेगी, ऊपर की ओर, किधर की ओर, ऊपर की ओर गति करेगी। और भुजा सी डी, ये वाली भुजा सी डी, ये ऊपर की ओर गति करेगी और सी डी भुजा नीचे की ओर गति करेगी। इसको मान ले कुंडली है, ठीक, ये इसकी भुजा ए बी और ये इसकी भुजा सी डी। अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं यूं, इस तरह से, तो ये भुजा ऊपर जाएगी और ये वाली भुजा नीचे जाएगी। बात समझ में आई। तो यदि कुंडली को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर गति करेगी और भुजा सी डी नीचे की ओर गति करेगी। इस स्थिति में हम विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करेंगे, और किस नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो देखो, ये है चालक की गति की दिशा ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही है N से S की ओर। अब इसमें इन दोनों डायरेक्शन को अगर हम इसमें सेट करें तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आराम से आ जाएगी। देखो, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है चालक की गति की दिशा, और ये है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। इसको हम करेंगे इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र वाली दिशा में, ठीक। देखो, यूं है उसी डायरेक्शन में, और अंगूठा ऊपर की ओर, क्योंकि गति ये ऊपर की ओर कर रही भुजा ए बी, तो अंगूठा ऊपर की ओर, तो विद्युत धारा किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रही है। बात समझ में आई। अगर चालक की गति की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो विद्युत धारा की दिशा ये होगी इस डायरेक्शन में। किस नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। पता चल गया विद्युत धारा की दिशा कैसे, पी से ए की ओर जाएगी इधर। अब इसी तरह से हम भुजा सी डी में निकाल लें विद्युत धारा की दिशा। भुजा सी डी किधर जा रही है, नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की ओर, एन से एस की ओर। अब इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, चलो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली, और अंगूठा नीचे की ओर, क्योंकि ये भुजा नीचे जा रही है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर हुई, इस डायरेक्शन में, यानी डी से सी की ओर, इस डायरेक्शन में, यानी धारा इस डायरेक्शन में वापस आएगी, इधर से जाती हुई और इधर से वापस आती हुई, कुछ इस तरह से, इस तरह जाएगी और इस तरह से वापस आएगी। अब यहां तो समझ में आ गया, अब आ जाओ इधर, इधर से जाती हुई यानी एक्स से जाती हुई और इधर से आती हुई यानी वाई पर वापस आती हुई प्रतीत होगी। एक्स से जाती हुई और वाई पर वापस आती हुई धारा प्रतीत होगी। अब यहां बात करेंगे इन दोनों वलयों की।
देखो एक समय पर जब कुंडली की ये AB भुजा ऊपर की ओर जा रही है तो धारा की दिशा इधर की ओर है, ठीक, यानी एक्स से जाती हुई, एक्स से जाती हुई, और ये वाली भुजा जब नीचे की ओर जा रही है तो वाई पर आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये एक्स जो ब्रश है वो इस वलय से जुड़ा हुआ है ना, यानी कुंडली की इसी भुजा से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो ब्रश है वाई वो इस वलय से जुड़ा हुआ, और ये वलय किससे कनेक्ट है, इस भुजा से कनेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये आधा चक्कर पूरा कर लेगी यानी कि ये भुजा आ जाएगी इधर और ये वाली भुजा चली जाएगी उधर, तो अब AB भुजा जो ऊपर आ रही है वो इस कंडीशन में जाएगी नीचे की ओर, और CD भुजा जो इधर आ जाएगी अभी नीचे की ओर जा रही है अब वो आएगी ऊपर की ओर जब ये पलट जाएगी तब, ठीक। इस स्थिति में यहाँ की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि ये जो सिरे हैं AB इसी से जुड़ा हुआ है X से ही, X वाले ब्रश वाले वलय से, और CD जो सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, Y वाले ब्रश वाले वलय से, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो जब यहाँ पे घूम जाएगी तो एक बार AB भुजा में धारा की दिशा X से जाती हुई और Y पर वापस आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा यहाँ पर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बदल रही है तो यहाँ पर भी बदल जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जब कुंडली आधा चक्कर घूमेगी तो जो AB भुजा ऊपर की ओर आ रही है वही AB भुजा अब नीचे की ओर जाएगी, और CD भुजा घूम के इधर आ जाएगी वो ऊपर की ओर आएगी। तो यहाँ पर धारा की दिशा जो X से जा रही है Y पर आ रही है, आधे चक्कर के बाद कुछ उल्टा सीन होगा, X पर आएगी और Y से जाएगी। तो इस प्रकार हर आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी। तो ये कौन सी धारा हो गई, ये हो गया AC करंट, यानी कि हमें इस जनरेटर से AC करंट प्राप्त होगा। तो ये जनरेटर कौन सा हो गया, AC जनरेटर हो गया। बात करते हैं DC जनरेटर की। सेम कंडीशन यहाँ, अगर इस कुंडली को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं इस तरह से, ये AB भुजा, AB CD, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर जब ये घूमेगी, है ना, तो यहाँ पर धारा की दिशा इसी तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ से अगर हम निकालेंगे तो धारा की दिशा होगी B से A की ओर, अगर ये ऊपर जाएगी तो धारा की दिशा इधर, और ये नीचे की ओर तो धारा की दिशा ये, यानी X पर X से जाती हुई और Y ब्रश पर आती हुई प्रतीत होगी। कब, जब ये इस तरह से घूम रही होगी, AB भुजा ऊपर की ओर और CD भुजा नीचे की ओर। आधे चक्कर के बाद की कहानी देखो, आधे चक्कर के बाद जब AB भुजा नीचे की ओर जाएगी इधर और CD भुजा ऊपर की ओर आएगी, तो यहाँ की कहानी क्या होगी, AB भुजा के घूमने के बाद ये वाला जो विभक्त वलय है ये घूम करके Y के टच में आ जाएगा। जहाँ से ध्यान से देखो, कुंडली का जब ये सिरा घूमेगा, भुजा घूमेगी, तो उसके साथ साथ ये वलय भी घूम जाएगा। अभी ये विभक्त वलय X के टच में है, घूम जाएगा तो Y के टच में हो जाएगा। बात समझ में आई। अभी CD भुजा का जो सिरा है वो Y ब्रश वाले टच में है, जब आधे चक्कर में घूम जाएगा तो धुरा के साथ साथ ये भी घूमेगा, तो ये चला जाएगा X के टच में, ठीक। तो अंदर तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, लेकिन बाह्य परिपथ में धारा की दिशा नहीं चेंज होगी और हमें दिष्ट धारा प्राप्त होगी, यानी कि DC करंट हमें प्राप्त होगा इस बाह्य परिपथ में। AB भुजा ऊपर की ओर, धारा की दिशा X से जाती हुई, बात समझो। CD भुजा नीचे की ओर गति कर रही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, धारा की दिशा Y पर आती हुई। आधा चक्कर जब घूम जाएगी तो CD भुजा आ जाएगी इधर और AB भुजा चली जाएगी उधर। अब CD भुजा ऊपर की ओर और AB भुजा नीचे की ओर। अब CD भुजा का कनेक्शन किससे था, पहले Y से था, अब किससे हो जाएगा, X से हो जाएगा। AB भुजा का कनेक्शन X से था, अब किससे हो जाएगा, Y से हो जाएगा। तो कुल मिला के
धारा की दिशा अंदर तो बदलेगी हर आधे चक्कर के बाद, लेकिन बाह्य परिपथ में इन दोनों विभक्त वलयों के चेंज होने से धारा की दिशा नहीं बदलेगी और हमें दिष्ट धारा बाह्य परिपथ में प्राप्त होगी, इसलिए इसे हम दिष्ट धारा जनित कहते हैं। तो ये है इन दोनों की वर्किंग। समझ में आ गया सबको?